हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम पूजा मिश्रा। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और मजे में भी होंगे, जैसे कि मैं भी आपको दिख रही हूँ। आज का जो हमारा हॉल होने वाला है, समर से रिलेटेड होने वाला है, समर टॉप हॉल। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मैंने परचेस किया है, अंडर 300 की, और स्टार्टिंग प्राइस आपको 150 की मिलेगी, यानी कि 150 से लेके 300 के अंदर के मिलेगी। बहुत ही यूनिक कलर और बहुत ही अलग पैटर्न का मैंने परचेस किया है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और ये जो मैंने ड्रेस वेयर किया है वो भी मीशो से है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में भी ये ड्रेस है। आई थिंक मेरे को आइडिया नहीं है, मैं ऐसे शेयर कर दूंगी लिंक वगैरह इसका, और यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ कितने की है। और ये बहुत ही समर के लिए तो बहुत ही कंफर्टेबल है, कॉटन फैब्रिक में है। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हो, और जितने भी टॉप वगैरह है और ड्रेस है ये वाली, इसकी लिंक्स वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस हॉल का जो फर्स्ट टॉप होने वाला है बहुत ही प्यारा है गाइज, मतलब इसका कलर मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप देख सकते हो कितना प्यारा कलर है, लाइट पिंक कलर का शेड दिया, और पिच कलर टाइप के बोलते हैं कलर, देख लो आप कितना प्यारा है ना कलर। इसका पैटर्न भी आप देख लो कितना अच्छा है, आगे से आपको वी शेप बन रहा था और पीछे में बैक में आपको ऐसे राउंड शेप बन रहा है, और पीछे में आपको बिल्कुल भी प्लेन पैटर्न है, आगे में थोड़ा बहुत पैटर्न आप देख सकते हो, कितना प्यारा पैटर्न दिया हुआ था। ये टॉप आपको स्लीवलेस, इसमें बाजू वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ स्टिचिंग वगैरह बहुत ही अच्छी है, और फैब्रिक भी ये इसका पॉलिस्टर लिखा हुआ था, और देख सकते हो पॉलिस्टर में भी स्ट्रेचेबल बहुत ही अच्छी है। इसमें जो साइज मैंने पिक किया है, इसमें डबल एक्सल मैंने मंगाया था, क्योंकि मैं इसमें रिस्क नहीं लेने वाली थी, मैंने सोचा कि थोड़ा लूज रहेगा तो फिटिंग वगैरह करा लूंगी या फिर एक्सचेंज करा लूंगी, लेकिन मेरे को ये इतना अच्छा लग रहा था तो मैं कोई भी रिस्क वगैरह नहीं लेने चाहती थी, तो इसलिए मैंने डबल एक्सल ही मंगाया। लेकिन मैं इसे एक्सचेंज करके एक्सल मंगाने वाली, क्योंकि मुझे थोड़ी सी लूज आ रही थी, और एक्सल मंगाऊंगी तो अच्छी खासी फिटिंग आएगी और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसमें जो साइज भी अवेलेबल था, आपको एक्स्ट्रा स्मॉल से लेके आपको 3XL तक मिल जाएगा, तो जिनकी बॉडी थोड़ी हैवी है वो भी ले सकते हो 3XL तक, क्योंकि बहुत ही अच्छी फिटिंग है वगैरह है इसमें, मतलब डाउट नहीं है कि एक्सल पहनते हो आपको डबल एक्सल लेना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि मीशो में साइज को लेके बहुत ही इशू रहता है इस वजह से। इसमें कलर ऑप्शन भी था, आपको मैरून मिल जाएगा, ब्लू मिल जाएगा, ब्लैक मिल जाएगा और व्हाइट कलर मिल जाएगा, तो आप देख लेना आपको कौन सा कलर सबसे अच्छा लगता है। मेरे को थोड़ा अलग हटके लेना था, क्योंकि मैं हमेशा रेड और ये व्हाइट और ब्लैक पहनती हूँ, तो मैंने को थोड़ा अलग लेना था, इसलिए मैंने इसे परचेस किया। फिटिंग वगैरह क्वालिटी वगैरह बहुत ही अच्छा दिया है गाइस, मतलब, और इसका जो प्राइस भी मेरे को पड़ा था 261 रुपीज, मतलब 261 रुपए के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा टॉप है गाइस, मतलब कह सकते हैं कि आप इसे ले सकते हो मीशो में, और थोड़ा सा ऐसा टॉप मिल जाए फैब्रिक वगैरह तो बहुत ही मजा आ जाता है। तो चलो फिर मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ अपना। अब जो हमारा टॉप होने वाला है बहुत ही प्यारा है गाइस, मतलब ब्लैक कलर का है और उसमें व्हाइट कलर का आपको शेड मिलेगा कपड़े का, बहुत ही खूबसूरत है, कॉलर पैटर्न में आपको मिल जाएगा। ये भी आपको स्लीवलेस ही टॉप है, लेकिन बहुत ही प्यारा है, नीचे में भी आप देख सकते हो कितना प्यारा ब्लैक कलर का है, और पीछे में भी आप देख सकते हो कितना प्यारा दिया हुआ है। इसमें जो इसका फैब्रिक लिखा हुआ था वो कॉटन लिखा हुआ था, सच में ये कॉटन बिल्कुल ही है, लेकिन ये स्ट्रेचेबल बिल्कुल भी नहीं है, फिटिंग वगैरह इसकी अच्छी आ रही थी। इसमें जो साइज भी अवेलेबल था आपको एक्स्ट्रा स्मॉल से लेके एक्सल तक मिलेगा, और इसमें मैंने अपना साइज एक्सल ही मंगाया है, देख सकते हो आप एक्सल साइज मंगाया, इसमें डबल एक्सल का ऑप्शन नहीं था, लेकिन हाँ एक्सल मंगाया है, लेकिन क्योंकि मेरे को ट्राई करना था कि शायद ये आ जाए, लाइक्रा वगैरह नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया तो अच्छी खासी आ रही थी। इसका स्लीव वगैरह भी आप देख सकते हो कितना प्यारा, ये बिल्कुल ही यूनिक कलर लग रहा था इसका, ब्लैक में आपको वाइट, इसमें कलर ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है, कुछ इस तरीके का टॉप है, बहुत ही प्यारा है। इसको मैंने स्टाइल किया है बेसिक से, आपको जीन्स के साथ, ब्लू जीन्स के साथ मैंने स्टाइल किया है, ब्लू जीन्स के साथ ब्लैक या फिर व्हाइट का कॉम्बिनेशन कुछ पहनोगे तो बहुत ही अच्छा लगता है, स्नीकर के साथ में मैंने इसे स्टाइल किया है। इसका जो प्राइस मेरे को पड़ा था 261 रुपीज का पड़ा था, और इसमें कलर ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं था, और साइज भी मैंने बता दिया, फिटिंग वगैरह भी बहुत ही अच्छी आ रही थी, स्टिचिंग वगैरह भी बहुत ही अच्छी की हुई है इसकी, तो कोई डाउट नहीं है, फैब्रिक वगैरह को लेके भी बहुत कुछ भी डाउट नहीं है, क्वालिटी वगैरह भी बहुत ही अच्छी है, तो रेटिंग वगैरह भी देनी होगी मुझे तो मैं 10/10 दूंगी, क्योंकि बहुत ही अच्छी फिटिंग आ रही थी और क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी थी। तो चलो फिर मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ अपना। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉप होने वाला है बहुत ही प्यारा, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है गाइस, मतलब ब्लू कलर का, रॉयल ब्लू कलर का मैंने परचेस किया है। इसमें कलर ऑप्शन आपको रेड मिल जाएगा, मैरून मिल जाएगा और नेवी ब्लू मिल जाएगा, लेकिन अफोर्डेबल इतना है कि 150 रुपये में आपको इतनी अच्छी टॉप मिल रही है, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का टॉप है। वैसे वीडियो में आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है ये। मैंने इसे एक
ब्लैक कलर की जीन्स के साथ स्टाइल किया, क्योंकि ब्लैक पे ब्लू अच्छा लगेगा ना कॉम्बिनेशन। इसको आप स्कर्ट के साथ भी पहन सकते हो, लेकिन मेरे को ये ब्लैक जीन्स भी बहुत ही अच्छा जच रहा था। आप देख सकते कुछ इस तरीके का है। आगे में आपको ऐसे इलास्टिक का पैटर्न मिल जाएगा, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और इस तरीके के खुले में रिबन टाइप का मिलेगा आपको यहाँ पे शोल्डर के पास में। आपको अच्छी खासी फ्लावर आप बना सकते हो ऐसे रिबन डाल के। और फैब्रिक भी इसका रियोन लिखा हुआ था, और इसमें जो साइज भी अवेलेबल था आपको ऐसे लेके आपको ट्रिपल एक्सएल तक मिल जाएगा, मतलब 3XL तक मिल जाएगा, जो कि मैंने इसमें साइज मंगाया है आपको डबल एक्सएल, क्योंकि मेरे को लगा कि प्राइस के अकॉर्डिंग इतना सस्ता है तो थोड़ा एक साइज ऊपर जा तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 150 रुपए का मतलब सस्ता है, तो मेरे को लग रहा था कि साइज वगैरह को लेके थोड़ा सा इशू मत हो जाए, तो इसलिए मैंने डबल एक्सएल मंगाया, लेकिन फिटिंग वगैरह अच्छी आ रही थी। जैसा आपको आगे की तरफ में पैटर्न मिलेगा, वैसे ही सेम पीछे की तरफ भी पैटर्न मिलेगा। बस जो आपको लेबल लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि कौन सा पीछे रखना है, कौन सा लेबल जो लगा हुआ है उसको आपको पीछे की तरफ में रखना है, और ऐसे आगे की तरफ में। कलर भी मैंने बता दिया, इसका जो प्राइस भी मैंने बता दिया 150 मतलब 150 रुपए की है। 150 रुपए के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है। रेटिंग वगैरह भी देना होगा तो मैं 10 से भी ऊपर दूंगी, 100 से भी 1000 दूंगी, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। 150 रुपए में इतनी अच्छी टॉप मिल गई, फैब्रिक और फिटिंग वगैरह तो बहुत ही मजा आ जाता है गाइस। मतलब तो चलो फिर मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ अपना टॉप होने वाला है। बहुत ही प्यारा कलर है, मतलब येलो कलर है। आप देख सकते हो कितना अच्छा इसका प्रिंट दिया हुआ है ना, आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। येलो और व्हाइट का शेड दिया हुआ है, लाइनिंग का। इस तरीके का ये कलर बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। शर्ट वगैरह पहनो इस तरह का तो और भी अच्छा लगता है, लेकिन ये टॉप है। इसका फैब्रिक जो कॉटन दिया हुआ है, इसमें कोई कलर ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो टॉप कितना प्यारा लग रहा है। एक का स्लीव भी देख सकते हो, किस तरीके का फ्रिल वाली स्लीव दी हुई गई हुई है, और बैक में भी कुछ इसी तरीके का प्रिंट मिल जाएगा आपको। और इसका जो फ्रंट है आप देख सकते हो, फ्रंट में आपको बॉटम दिया हुआ है। एक मिनट, बॉटम खुलता है क्या? हाँ, बॉटम खुलेगा आपको पूरा। एक मिनट खोल के दिखाती हूँ आपको, ऐसे नहीं समझ में आएगा, खोल के आपको दिखाती हूँ। हाँ, कुछ इस तरीके से बॉटम आपको ओपन हो सकता है। पूरा ओपन हो सकता है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। हाँ, पूरा ओपन हो रहा है बॉटम, आपको आप खोल सकते हो आराम से बॉटम को। तो कुछ इस तरीके का है ये टॉप। फैब्रिक वगैरह भी इसका बहुत ही अच्छा है। इसमें मैंने साइज इसमें अवेलेबल था आपको ऐसे लेके एक्सल तक, लेकिन मैंने इसमें एक्सल मंगाया था, लेकिन मुझे जो रिसीव हुआ है आप देख सकते हो एल रिसीव हुआ है, लेकिन एल के हिसाब से भी फिटिंग वगैरह लगता है सप्लायर ने टैग लगाना गलत लगा दिया है। टैग इसको एक्सल लगाना था, एल लगा दिया है, शायद उसके पास खत्म हो गया, ऐसा हो सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं, लेकिन अच्छा दिया है। फैब्रिक वगैरह आपको फिटिंग वगैरह भी अच्छी आ रही थी। इसे भी मैंने एक ब्लू कलर की जींस के साथ कैरी किया है, बहुत ही प्यारा लग रहा था गाइस। इसे मैं कह सकती हूँ, हाईली रिकमेंड भी कर सकती हूँ कि आप इसे ले सकते हो, इतना प्यारा है। नो कलर, इसमें कलर ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है, और इसका प्राइस मेरे को पड़ा था 251 रुपीज का पड़ा था, मतलब 250 रुपए की, 250 रुपए के अकॉर्डिंग। तो फैब्रिक फिटिंग वगैरह बहुत ही अच्छा था, और पैटर्न भी इसका बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो चलो फिर मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ अपना। अब जो हमारा टॉप होने वाला है बहुत ही प्यारा है गाइस। मैंने इसे बहुत पहले लिया था, मतलब मसूरी जाने से पहले, मैं अभी रिसेंट में मसूरी गई थी, तो उस जाने से पहले मैंने ये टॉप लिया था, लेकिन कोई हॉल टॉप वगैरह नहीं बनाया था, तो इससे मैंने नहीं लिया, लेकिन शॉर्ट वीडियो मैंने इसे ऑलरेडी डाला है। आपने बहुत इसे प्यार दिया है। कुछ इस तरीके का टॉप है, देख सकते हो। इसका फैब्रिक लाइक्रा मिल जाएगा, इसमें कलर ऑप्शन भी बहुत सारे हैं। इसमें आपको ब्लू मिल जाएगा, ब्लैक मिल जाएगा, व्हाइट मिल जाएगा, ग्रे मिल जाएगा, पर्पल मिल जाएगा, मतलब 8 या 9 कलर उन्होंने डाला है सप्लायर ने, तो जो भी कलर आपको अच्छा लगे आप ले सकते हो। इसका प्राइस भी मेरे को बहुत ही अच्छी रेंज में मिल गए थे, 185 रुपीज की मिली थी, मतलब अंडर 200 के हिसाब से बहुत ही अच्छा टॉप है गाइज। मतलब आप फ्रंट में आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का है, वी शेप में। जो फर्स्ट वाला टॉप मैंने लाइट पिंक कलर का दिखाया था, कुछ उसी तरीका है का है, लेकिन वो आपको पॉलिस्टर में मिला था, और ये आपको लाइक्रा में मिल रहा है, और इसमें स्लीव वगैरह दिया हुआ था, उसमें स्लीव नहीं दिया हुआ है, तो कुछ इस तरीके का टॉप है। आगे में आपको वी शेप मिल जाएगा, और बैक में कुछ इस तरीके का राउंड शेप मिल जाएगा। इसका फैब्रिक वगैरह भी बहुत ही अच्छा दिया हुआ था, और लाइक्रा तो अच्छी खासी स्ट्रेचेबल है, आप देख सकते हो। इसमें साइज भी मैंने एक्सल मंगाया था, हाँ
एक्सल मंगाया था, क्योंकि इसमें आपको साइज भी मिलेगा, आपको एस से लेके आपको एक्सल तक मिल जाएगा। तो मैंने लास्ट साइज मंगाया था, आपको एक्सल मंगाया था। और स्लीव वगैरह भी आप देख सकते हो, शॉर्ट स्लीव मिलेगी आपको, और फिटिंग वगैरह बहुत ही अच्छी आ रही थी। इसे मैंने एक स्कर्ट के साथ कैरी किया है, वो भी मिंत्रा के स्कर्ट के साथ। तो आप स्कर्ट के साथ भी जा सकते हो, ट्राउजर के साथ भी जा सकते हो, या फिर जीन्स के साथ भी जा सकते हो। मैंने तो इसे दिल्ली में एक दिन मैं दिल्ली रुकी थी, तो मैंने तो इसे अच्छी खासी ब्लैक कलर की ट्राउजर के साथ स्टाइल किया था। यहाँ मैं फोटो भी लगा रही हूँ, बहुत ही प्यारा लग रहा था, क्लासिक लुक लग रहा था। इसका भी ट्राउजर का लिंक आपको दे दूंगी, टॉप का तो मैं दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो रेटिंग वगैरह भी देनी होगी तो मैं 10/10 दूंगी, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसमें कलर ऑप्शन भी बहुत है, आप उसके हिसाब से देख लेना। प्राइस भी 185 रुपीज की पड़ी थी। और चलो फिर मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको अपना। अब जो हमारा टॉप होने वाला है बहुत ही प्यारा है गाइस, ब्लैक कलर का, आप कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हो। इसमें जो साइज भी अवेलेबल था, आपको एस से लेके आपको एक्सल तक मिल जाएगा, जो कि मैंने इसमें अपना साइज एक्सल मंगाया है, आप देख सकते हो। इसमें कलर ऑप्शन भी था, एक आपको इसमें व्हाइट कलर का था लेकिन उसमें ब्लैक कलर का डॉट था, और ये ब्लैक कलर का आप देख सकते हो। इसमें व्हाइट कलर का डॉट डॉट करके प्रिंट दिया हुआ है। स्लीव वगैरह भी आपको स्लीवलेस मिल जाएगा, इतना छोटा सा तो स्लीव मिल रहा है आपको, देख सकते हो, फ्रिल वाली दोनों साइड में, और दोनों एक साइड एक ही बराबर। बैक भी इसका सेम है और फ्रंट भी आपका सेम है, और यहाँ पे आपको इलास्टिक मिल जाएगी, आप देख सकते हो, अच्छी खासी इलास्टिक मिल जाएगी, तो फिटिंग वगैरह आपकी अच्छी आएगी। इसमें फैब्रिक भी इसका दिया हुआ है, क्रैप है इसका फैब्रिक, पॉलिस्टर नहीं है, क्रैप दिया हुआ है, लेकिन क्वालिटी वगैरह बहुत ही अच्छी है, फिटिंग वगैरह भी अच्छी आ रही थी, स्टिचिंग वगैरह भी इसकी अच्छी दी हुई है। और इसका जो प्राइस मेरे को पड़ा था 262 रुपीज की, मतलब 262 रुपए के, 62 रुपए के, लेकिन मेरे को ये ऐसा लग रहा है कि अंडर 200 की मिलती तो और भी अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि 150 वाली जो टॉप है ना, कुछ इसी तरीके से मिलता जुलता है, उसमें वो प्लेन था, इसमें थोड़ा सा आपको प्रिंट है, तो 200 रुपए की मिलती तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि वो 150 का था बिना प्रिंट वाली, और ये प्रिंट थोड़ा सा दिया हुआ तो 50 रुपए प्रिंट का भी ले सकते थे आप, लेकिन 200 रुपए की रहती तो 200 रुपए के अकॉर्डिंग तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऐसे आप ले सकते हो, इसका फैब्रिक वगैरह अच्छा है, फिटिंग भी अच्छी आ रही थी, प्राइस थोड़ी सी हाई मेरे को लग रही है, लेकिन क्वालिटी अगर अच्छी हो तो प्राइस का कोई मैटर नहीं करता है। तो चलो फिर मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ अपना। अब जो हमारा टॉप होने वाला है गाइस, मतलब मेरे को इस हॉल का सबसे अच्छा लगा ये टॉप, क्योंकि कॉटन फैब्रिक में दिया हुआ था, लेकिन उसमें लिखा तो ये फैब्रिक लिखा हुआ था रियोन, लेकिन मेरे को रियोन नहीं लग रहा है, ये प्योर कॉटन लग रहा है, और ये टॉप नहीं लग रहा है, ये मेरे को शॉर्ट कुर्ती लग रहा है, लेकिन जो फोटो में मॉडल पहनी थी वो कुर्ती नहीं आपको टॉप की तरह लग रहा था। तो उसको बेसिक, मतलब उसको ध्यान रखते हुए मैंने इसे मंगाया था कि ये टॉप स्टाइल का लगेगा, लेकिन ये मेरे को बिल्कुल ही शॉर्ट कुर्ती की तरह लग रहा था। आप देख सकते हो कितना लग रहा है आपको इसका लेंथ वगैरह, और मॉडल की भी आपको फोटो लगा दे रही हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हो कैसा लग रहा है मॉडल पे, ये शॉर्ट टॉप टाइप का लग रहा था, लेकिन ये शॉर्ट कुर्ती आई मेरे को, लेकिन फैब्रिक वगैरह अच्छा है, इसका फिटिंग वगैरह भी अच्छा है, स्टिचिंग वगैरह भी अच्छी दी हुई है, और कुछ इस तरीके का फ्रॉक स्टाइल में आपको आगे से और पीछे से भी मिल जाएगा, और स्लीव वगैरह इसमें नहीं दिया हुआ है, ये बिल्कुल ही स्लीवलेस है, और पीछे की तरफ से मैं आपको दो रिबन मिल जाएगा स्टैच, मतलब आप एडजस्ट कर सकते हो फिटिंग को लेके आपको पीछे की तरफ से, लेकिन ठीक है, प्रिंट वगैरह तो अच्छा लग रहा है, पिंक कलर में आपको व्हाइट कलर का प्रिंट मिल जाएगा, और प्राइस भी मेरे को ये पड़ा था 251 रुपीज का, मतलब 250 रुपए की मिली थी ये मेरे को, और इसमें जो साइज भी अवेलेबल था आपको एक्स्ट्रा स्मॉल से लेके आपको 2XL तक, मतलब डबल एक्सल तक मिल जाएगा। और मैंने कौन सा साइज मंगाया, मैंने इसमें एक्सल साइज मंगाया, तो फिटिंग वगैरह अच्छी आ रही थी मेरे को, फिटिंग भी अच्छी आ रही थी, और रेटिंग वगैरह भी देना होगा तो मैं इसे 1 पॉइंट या 2 पॉइंट में काटूंगी, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि ये टॉप आएगा, ये टॉप नहीं आया, तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ उस हिसाब से, क्योंकि मॉडल ने जो पहना था वो टॉप स्टाइल में पहना था, और मेरे को ये जो पहना मैंने शॉर्ट कुर्ती के स्टाइल में लग रहा था, तो मेरे को थोड़ा सा वो लगा, तो मैं रेटिंग वगैरह भी 8 या फिर 10 नहीं दूंगी, मैं कुछ नहीं दे सकती इसको रेटिंग वगैरह, लेकिन इसे मैं रखूंगी क्योंकि मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था ये टॉप। तो चलो फिर मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ अपना। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉप होने वाला है वो कोरियन टॉप होना है, मतलब कोरियन
मॉडल ने पहना था, तो ये कोरियन टॉप हो गया, कोरियन टॉप की तरह होने वाला, मतलब कोरियन टॉप है ये, कुछ इस तरीके का ब्लैक कलर का ये टॉप, नहीं मेरे को शर्ट टाइप का लग रहा था। इसे आप अगर ऑफिस या फिर कॉलेज आओगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। कोरियन टॉप है ये, कुछ इस तरीके का है, फुल स्लीव में मिल जाएगा आपको, स्लीव पे भी आपको थोड़ा सा ऊपर में ऐसे फुला फुला सा कुछ, ऐसे क्या बोलते हैं उसको आई डोंट नो, लेकिन कुछ इस तरीके का स्लीव में भी आगे की तरफ में आपको कुछ यहाँ पे इलास्टिक मिल जाएगी। आप एक मिनट दिखा दे तो अच्छे से, यहाँ इलास्टिक मिल जाएगी आगे की तरफ में। कॉलर भी आपका कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हो कॉलर, यहाँ शायद रिबन दिया हुआ है क्या, हाँ यहाँ पे बांधने वाला रिबन दिया, आप इसे पहन बांध सकते हो, अच्छे सा फ्लावर बना सकते हो, तो खूबसूरत लगेगा। ये मेरे को फिटिंग में थोड़ी सी मेरे को टाइट आ रही थी, एक्सेल साइज मैंने मंगाया तो था, ठीक ही साइज मंगाया, लेकिन साइज को लेके चोरी किया ये लोग साइज को लेके, तो ये मेरे को थोड़ी सी फिटिंग आ रही थी, मतलब पेट साइड से कमर साइड से थोड़ी सी फिटिंग आ रही थी, ओवरऑल ठीक था, मतलब उतना बेकार नहीं है, फैब्रिक वगैरह तो अच्छा है इसका, कॉटन ब्लेंड लिखा हुआ है तो कॉटन ब्लेंड दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा फिटिंग को लेके मेरे को लग रहा था ये एल साइज मेरे को लग रहा था, एक्सल बिल्कुल भी नहीं इसका साइज लग रहा है, कलर ऑप्शन इसमें बिल्कुल भी नहीं था, और ये मेरे को पड़ा था 280 का, मतलब कि 280 रुपए के पड़ी थी, और इसमें जो साइज भी अवेलेबल था आपको एस से लेके आपको एक्सल तक मिल जाएगा, तो मैंने एक्सल मंगाया है, तो मेरे को फिटिंग थोड़ी अच्छी नहीं लगी, तो मैं तो सजेस्ट करूंगी आप लोग एक्सल साइज जो पहनते हैं तो वो इसे ना ही ले, इसे एम एल और एक्स्ट्रा स्मॉल या फिर स्मॉल वाले ले सकते हैं। तो चलो फिर मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ अपना। अब जो हमारा नेक्स्ट होने वाला है, इस हॉल का सबसे लास्ट होने वाला है, दो टी शर्ट मैं दिखाने वाली हूँ, बहुत ही प्यारा, मतलब अफोर्डेबल है, और इसका फैब्रिक भी मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। मैं फर्स्ट जो दिखाने वाली हूँ, ब्लैक कलर या दिखाऊँ या फिर ग्रीन, लाइट ग्रीन दिखाती हूँ, लाइट ग्रीन कलर का है, कुछ इस तरीके का प्रिंट है। आप लास्ट वाले हॉल वीडियो में मेरे देखे हो गए आपने, जो मैंने बनाया अभी रिसेंटली आपको कॉर्सेट वाला, तो उसमें यही टी शर्ट पहन के मैंने बनाया था, कुछ इस तरीके का आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा प्रिंट भी इसका बहुत ही अच्छा है, देखते एक बार धुलने के बाद कैसा आता है प्रिंट, लेकिन मेरे को क्वालिटी तो अच्छी लग रही है, फिटिंग भी अच्छी आ रही थी, ओवरसाइज टी शर्ट है, ओवरसाइज टी शर्ट के हिसाब से तो अच्छी आ रही थी। इसका जो प्राइस भी मेरे को पड़ा था बहुत ही सस्ता पड़ा था, ये शायद 223 रुपए की पड़ी थी, हाँ 223 रुपए की पड़ी थी, और इसमें जो साइज भी अवेलेबल था आपको एस से लेके आपको डबल एक्सल तक मिल जाएगा, लेकिन मैंने इसमें आपको डबल एक्सल मंगाया, एक्सल नहीं मंगाया था, क्योंकि थोड़ा लूज रहता तो अच्छा लगता है, तो मैंने डबल एक्सल मंगाया, आप देख सकते हो, आप भी डबल एक्सल ही मंगाना क्योंकि लूज रहेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और चलो फिर मैं बात करती हूँ अभी ब्लैक वाले की, ब्लैक वाले का तो ओ माय गॉड, इसका प्रिंट मेरे को बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, कुछ इस तरीके का प्रिंट है, आगे में आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का प्रिंट दिया हुआ है, प्रिंट के भी क्वालिटी बहुत ही अच्छी, और बैक में भी आप देख सकते हो बैक में अच्छी खासी प्रिंट। ये मेरे को लग रहा है ओवरसाइज टी शर्ट, क्योंकि ये जो मैंने लाइट ग्रीन कलर का दिखाया था उससे मेरे को ये थोड़ा कुछ ज्यादा ही लग रहा है, तो ये मेरे को लग रहा है पर्सनली कि ये ओवरसाइज टी शर्ट है, ये मेरे को बिल्कुल भी नहीं लग रहा, ये नॉर्मल टी शर्ट टाइप की फिटिंग आ रही थी, लेकिन हाँ ये आपको लग रहा था कि ओवरसाइज टी शर्ट मतलब फिटिंग आ रही थी इसकी, ओवरसाइज के हिसाब से लग रहा था, और इसका क्वालिटी भी मेरे को कॉटन मतलब ग्रीन वाले के कंपैरिजन में इसकी क्वालिटी मेरे को ज्यादा अच्छी लग रही थी, कॉटन फैब्रिक दिया हुआ था इसका, इसका प्राइस मेरे को थोड़ा सा हाई मिला था, ये मेरे को 254 रुपीज की पड़ी थी, मतलब 254 रुपए की, तो उसके हिसाब से ये मेरे को लग भी रहा था कि ओवरसाइज टी शर्ट है, लेकिन ग्रीन वाली बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। तो अगर आपको लेना हो इन दोनों में से तो मैं कहूंगी कि ब्लैक वाला लेना, क्योंकि इसकी फिटिंग वगैरह ओवरसाइज की जैसे लग रही थी जिस हिसाब से मैंने देख के मंगाया था, तो इसको मैं कहूंगी हाईली रिकमेंड करूँ कि आप ये ब्लैक वाला ले सकते हो, इसकी फिटिंग और इसकी प्रिंट वगैरह भी बहुत ही अच्छा, खड़खड़ खड़खड़ नहीं लग रहा है इसका प्रिंट, मेरे को पर्सनली बहुत ही अच्छा है, तो मैं अगर रखना होगा तो मैं इसे रखूंगी, इसे नहीं रखूंगी, इसे मैं रिटर्न करने वाली हूँ। तो कुछ इस तरीके का आज का वीडियो रहा, आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा, और समर के हिसाब से जो भी मैंने टॉप टी शर्ट और कोरियन टॉप दिखाया तो कुछ अच्छा लगा होगा आपको, तो आप आराम से परचेस कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक्स वगैरह डाल दिया है, तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब भी करते जाना मेरे चैनल को, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और भी अच्छी अच्छी मैं वीडियो लेके आऊंगी आप लोगों को लिए। तो चलो फिर टेक केयर, बाय बाय। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ, 5 मई को मीशो में सेल है, तो आपको जो कुछ भी लेना हो मेरे हॉल से या फिर अदर आपको कुछ भी विशलिस्ट करके रखे हो तो आप ले सकते हो, अच्छे खासे डिस्काउंट है, शायद 80% डिस्काउंट मिलेगा। तो चलो फिर टेक केयर, बाय बाय।